जैसे हर राजनीतिक दल की अपनी एक विचारधारा होती है, ठीक वैसे ही माओवादियों की भी अपनी विचारधारा होती है। माओवादी अपनी विचारधारा के प्रचार प्रसार के लिए अलग अलग माध्यमों का इस्तेमाल करते हैं, पुस्तकें हो गए, साहित्य हो गए, जैसा कि मैंने अपने पिछले रिपोर्ट में दिखाया भैया CNM भी है, इसके साथ ही ये स्पीच भी देते हैं ताकि लोगों को अपने से कनेक्ट कर सकें। अब ये स्पीच किस तरह दिया जाता है, किस तरह लोगों को एकत्रित किया जाता है, बताऊंगा आपको मैं इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं मुकेश चंद्राकर हूं और आप बस्तर जंक्शन देखना शुरू कर चुके हैं। पिछले कुछ दिनों से आप लगातार माओवादियों के कार्यक्रम को कवर करने आने के बाद जो रिपोर्ट में बनाया हूं वो दिखा रहा हूं। ये सामने माओवादियों का कार्यक्रम चल रहा है, माओवादी नेता स्पीच दे रहे हैं। ना ही मेरा कोई इंटेंशन है, लेकिन मैं दिखाना चाहता हूं कि किस तरह से माओवादी अपनी विचारधारा का प्रचार प्रसार करते हैं। ये माओवादियों के बड़े नेता हैं, इनका नाम दामोदर है और ये तेलंगाना स्टेट कमेटी के सदस्य हैं। और माओवादी जो है यहाँ शहीद सप्ताह का अंतिम दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं अपने मारे गए साथियों को। माओवाद संगठन के उदय के बाद से अब तक जितने माओवादी मारे गए हैं, इनके साथी अलग अलग घटनाओं में, अलग अलग मुठभेड़ में, उन्हें जो है श्रद्धा सुमन या श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। और देखिए, बाकायदा साउंड सिस्टम जो है वायरलेस कॉर्डलेस माइक का इस्तेमाल कर रहे हैं माओवादी। यहाँ पे माओवादी नेता को आप देखेंगे कॉर्डलेस माइक है, नीचे जो वायर दिख रहा है, हालांकि ये दूसरे पत्रकार साथी हैं जो तेलंगाना से आए, वो उनके लिए माइक का काम कर रहा है। तो इन्हें आप देखिए, ये तेलुगु में जो है स्पीच दे रहे हैं, जनता को संबोधित कर रहे हैं। अब इस माइक के लिए बकायदा व्यवस्था देखिए, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। भाई, जंगल में तो पारंपरिक ऊर्जा नहीं आ सकती, तो माओवाद संगठन द्वारा यहाँ जनरेटर और बैटरी की व्यवस्था की गई है। आप देखिए, जनरेटर और बैटरी की व्यवस्था है। यदि जनरेटर और बैटरी में किसी तरह की कोई तकनीकी खराबी आती है तो भाई विकल्प भी तो होना चाहिए। विकल्प के तौर पे सौर ऊर्जा की प्लेट्स भी रखे गए हैं यहाँ पे, और जनरेटर चलाने के लिए पेट्रोल भी चाहिए, पेट्रोल की भी व्यवस्था है। इस टैंक में पेट्रोल है। और कॉर्डलेस माइक के लिए आप देखिए, बकायदा एक पूरा सिस्टम इन्होंने इस्तेमाल कर रखा है। और आप देखिए, अगर कॉर्डलेस माइक में किसी तरह की कोई दिक्कत आएगी तो भैया ये वायर वाला माइक भी इन्होंने रखा है। तीन माइक यहाँ मुझको नज़र आ रहे हैं। तो इस तरह की व्यवस्थाओं से लैस होते हैं माओवादी और इस तरह से अपनी विचारधारा का प्रचार प्रसार करते हैं। तो इस तरह के कार्यक्रमों से काफ़ी हद तक जो है इस इलाके के ग्रामीणों का झुकाव माओवाद संगठन तरफ हो जाता है। आप देखेंगे बहुत छोटे उम्र के बच्चे ये माओवादियों के इस कार्यक्रम में शामिल होने आए हैं। जाहिर सी बात है, जब ये इस उम्र से माओवाद संगठन के साथ या माओवाद संगठन के करीब होंगे तो इनकी जो मानसिक स्थिति है, मनोदशा है, वो भी बिल्कुल माओवाद विचारधारा से ये जुड़ जाएंगे। हालांकि यदि स्कूल जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो मामला कुछ और हो सकता है, लेकिन आप इन बच्चों की उम्र देखिए। दूध पीते बच्चे अपने पिता के गोद में बैठकर माओवाद संगठन को इतने करीब से देख रहे हैं, तो इनका झुकाव किस तरफ पे होगा। इस जगह आपकी और मेरी चुनी हुई सरकार नहीं पहुंच सकती। इस जगह आपकी और मेरी चुनी हुई सरकार की जो पुलिस के जवान हैं वो नहीं पहुंच सकते। ये देखिए, बहुत प्यारी सी बच्ची है, इस उम्र में, करीब से दिखाइए मोहन, इस उम्र में ये बच्चे जब माओवाद संगठन को इतने करीब से देखेंगे तो जाहिर सी बात है इन बच्चों का झुकाव माओवाद संगठन की तरफ ज्यादा होगा। और इसी तरह से माओवादी अपनी विचारधारा का प्रचार प्रसार करते हैं। माओवादियों की अपनी विचारधारा है, हालांकि सरकार कहती है कि माओवादियों की जो विचारधारा है ये विदेशी विचारधारा है, क्योंकि ये मार्क्स लेनिन माओ से प्रेरित है। हालांकि मार्क्स लेनिन और माओ को मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ा है, लेकिन फिर भी सरकार कहती है कि भैया ये विदेशी विचारधारा है, इंडिया में इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन भैया, इतनी बड़ी संख्या, इतना बड़ा जनसमूह यदि माओवादियों के एक बुलावे पे एक कॉल पे यदि आ रहा है तो हमारी सरकारें कहाँ हैं। तो ऐसे में हमारे सरकार के जो दावे हैं ना, वो खोखले साबित होते हैं। बहुत बड़ा इलाका, बहुत बड़ा आधार क्षेत्र माओवादियों का आज भी है, जो सरकार से चीन कर जहाँ माओवादी अपनी
समानांतर सरकार चला रहे हैं। और देखिए लंबे समय से करीब 20 मिनट से जो है दामोदर स्पीच दे रहे हैं तेलुगु में, अलग अलग घटनाओं का ये जिक्र कर रहे हैं, सरकार या पुलिस की जो नाकामियां हैं उसे आम लोगों को बता रहे हैं। आपका जहां तक नजर जाएगा, देखिए मैं कोशिश करता हूँ जूम करके दिखाने की, एक सेकंड जूम करके आपको इस जनसमूह को दिखाने की कोशिश करता हूँ। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे आए हैं इस कार्यक्रम में शामिल होने, और माओवादियों के मात्र एक बुलावे पे ये जो लोग हैं वो इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। ठीक इसी तरह माओवादी जो है अपनी विचारधारा का प्रचार प्रसार करते हैं, अलग अलग माध्यम होते हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया अलग अलग साहित्यों का इस्तेमाल करते हैं, गाने हो गए, भाषण हो गए, तमाम चीज़ें हो गई, उसमें से एक इस तरह का कार्यक्रम भी हो गया। तो इस तरह से माओवादियों का प्रचार प्रसार, माओवादियों की विचारधारा का प्रचार प्रसार होता है, फैलाव होता है। बहरहाल मुझे दीजिए इजाज़त, आज की इस रिपोर्ट में इतना ही, धन्यवाद।